Hi guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. So, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ सारे ही overhyped products शेयर करने वाली हूँ जो कि mostly influencers suggest करते हैं. And मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मैं चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा overhyped products को गैदर कर लूँ एंड उनको अच्छी तरीके से ट्राई एंड टेस्ट कर लूँ एंड उसके बाद ये वीडियो बनाऊँ ताकि मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ. एंड जितने भी जो आज के प्रोडक्ट्स होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, बट ये आई वुड से कि वो बहुत ज्यादा ओवरहाइप्ड है एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को फालतू में ही आई डोंट नो व्हाई बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड मैंने सारी ही प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से ट्राई एंड टेस्ट कर लिया है एंड मैंने सारी प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी होने वाली है स्किन केयर एंड सेकंड कैटेगरी होने वाली है मेकअप. सो बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई शेयर माय इंस्टाग्राम हैंडल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. So the very first product I'm gonna talk about today is this Dr. Belmer's Spot Patch Kit. So this is how it looks and ये product मैंने around 2 months पहले order किया था एंड शायद मैंने Instagram पे आप सभी के साथ share भी किया था कि I'm trying and testing this product out and अभी I think appropriate time है जब मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि whether this works or not. So basically what is this? बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या है, so I will tell you what this do. So ये Dr. Belmer's की ऐसे spot patch kit आती है and आप सभी जानते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा acne issues की problem and major तो आई हैव सिस्टिक एक्ने इश्यूज. मैं इस तरीके की दो अलग अलग पैकेजिंग आती है. फॉर एक पैकेज में आपको इस तरीके के स्पॉट पैच मिलते हैं एंड सेकंड में भी आपको कुछ सिमिलर तरीके के ही स्पॉट पैच मिलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये वाले स्पॉट पैचेस होते हैं ये बेसिकली तो एक्ने को दबाने के लिए होते हैं एंड जो सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं आपके स्कार्स को रिमूव करने के लिए. एक्ने को रिड्यूस करने वाली जो पैच किट है वो दो फिल्म्स में आती है एंड जो स्कार रिमूवल है वो एक फिल्म आती है. सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड वन एंटायर फिल्म एंड सेकंड फिल्म्स में से भी मैंने कुछ कुछ पैचेस को यूज कर लिया है एंड जो स्कार रिडक्शन वाली है उसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया. आप देख सकते हैं सिर्फ 4 या 5 ही बार मैंने इनको ट्राई किया है. सो बेसिकली ये जो डॉक्टर बेलमर्स की किट है ये बहुत ज्यादा मुझे प्राइजी लगी. ये 790 का पैक आता है एंड मुझे ये उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मेरी स्किन पे इसने कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया. एंड मैंने इसको बहुत ज्यादा होप्स के साथ ऑर्डर किया था थिंकिंग दैट कि ये मेरे बहुत ज्यादा एक्ने में हेल्प करने वाला है एंड अगर कोई सडनली यू नो पिंपल आपका पॉपअप हो रहा है तो उसको वो रिड्यूस करने में मेरी हेल्प करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट सैडली डिडंट वर्क फॉर मी. एंड इनफैक्ट इसने मेरी जो एक्ने होते हैं उसको हमेशा खराब ही किया है. लाइक अगर मैंने ओवरनाइट इस पैच को लगा के सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्लियर हो जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा वो पिंपल हमेशा बढ़ा हुआ ही मिला है एंड उससे बेटर तो आप अपने पिंपल के साथ कुछ भी नहीं करिए, वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिनों में वैसे भी अपने आप ही कम हो जाता है. सो मेरे हिसाब से वाई टू वेस्ट 800 रुपीज जब वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता है एंड किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है. एंड आई डोंट नो इफ इट वर्क्स ऑन स्मॉल पिंपल्स और नॉट, बट मेरे जैसे सिस्टिक एक्ने वाले पिंपल्स तो इसने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किए हैं. एंड इसका जो स्कार रिडक्शन वाला किट है वो भी बिल्कुल यूजलेस एंड बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगा मुझे. मेरे स्कार्स कुछ भी इससे रिमूव नहीं हुए. मैंने बहुत सारे लोगों को इसे यूज करते देखा था, दैट इज व्हाई आई गॉट इट फॉर माय ओन, बट ये मेरा किसी भी काम का नहीं है. इट वाज अ ह्यूज 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 डिसअपॉइंटमेंट. 800 रुपये मेरे पूरे पानी में चले गए थे. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू नॉट बाय दिस किट एट ऑल. सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकेंड प्रोडक्ट. सो सेकेंड प्रोडक्ट है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च एंड ऑब्वियसली ये भी बहुत 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 ज्यादा ओवरहाइप प्रोडक्ट है. सो बेसिकली दिस इज अ मॉइस्चराइजर एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड क्लिनिक और ये भी थोड़ा सा प्राइसी है. दिस इज फॉर 800 रुपीज एंड 800 रुपीज में आपको इतनी छोटू सी यू नो बॉटल मिलती है एंड आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट, आप देख सकते हैं. सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज्यादा मिक्सड रहा है आई वुड से. मुझे ये ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइसी लगता है 800 में इतना छोटा सा आपको बॉटल मिलता है, एक पहली बात तो ये. सो डेफिनेटली आप इसको रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं अंटिल एंड अनलेस यू आर वेरी रिच, व्हिच ऑब्वियसली आई एम नॉट. सो डेफिनेटली ये मेरे लिए प्राइजी है, बट सेम टाइम पे मैं एक और चीज बोलूंगी कि जो इसके इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे. लाइक आपके स्किन पे बहुत ज्यादा यू नो सॉफ्ट एंड ब्लर सा टेक्सचर दे देता है. स्पेशली मालविका सितलानी एंड और भी कुछ बड़े यूट्यूबर्स इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, बट ऑब्वियसली रेगुलर यूज के हिसाब से थोड़ा सा मुझे
कॉस्टली लगा, एंड इससे भी कम रेंज में आपको सेम टाइप के टेक्सचर में और भी ज्यादा अच्छे मॉइस्चर सर्जेस मिल जाएंगे, जैसे कि न्यूट्रोजेना के भी जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर वगैरह है वो भी बहुत अच्छे हैं। दो मैंने उनको कभी भी ट्राई नहीं किया है, बट मैंने सुना बहुत है कि वो आपको सेम टाइप का टेक्सचर देते हैं एंड कम प्राइस में आपको सेम रिजल्ट्स देते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप यू नो इफ यू कैन इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी इन अ स्मॉल मॉइस्चराइजर। बट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं दोबारा परचेज करूंगी कि नहीं, सो आई वुड से नो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस मॉइस्चर सर्च एवर अगेन। आई वुड नॉट से एवर अगेन बट not anytime soon, but obviously Clinique is a high-end brand, that is why इसके सारे products costly हैं, but overall this was a okay-ish product and yeah. So moving forward to the third product, so third product is this Yevdam Pure Brightening Cream. So this is from the brand Face Shop, and Face Shop के जो products हैं वो बहुत ज़्यादा over the internet famous हैं, like सारे Instagram पे and जो YouTube होता है बहुत ज़्यादा influencers उसको promote करते हैं, sponsorships करते हैं, and मैंने जो ये Face Shop का product है ये मृदुल शर्मा के recommendation के बाद purchase किया था, एंड मृदुल एंड मानसी दोनों ही फेस शॉप की बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, सो आई वॉन्टेड एंड आई ट्रस्ट देम अ लॉट, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई एंड टेस्ट दिस प्रोडक्ट आउट, एंड आप लोग को स्ट्रेंज लगेगा बट एक्चुअली आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड दिस इज वेरी कॉस्टली दो बट आई लिटरली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड मैंने इसको जो इनकी एडिक्टिव स्किन केयर किट थी उसमें परचेज किया था, तो ये छोटी सी बॉटल मुझे मतलब उस किट में बहुत सारी चीजें थी जो 1100 में मुझे मिली थी, एंड उसी के साथ ये यवदाम की किट भी थी। सो इसकी जो प्योर ब्राइटनिंग क्रीम है ये मैंने सबसे ज्यादा यूज की है, एंड आई थिंक इसका जो वैसे प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, शायद से 3-4 thousand तक जाता है इसकी जो बड़ी वाली बॉटल आती है वो, एंड बट इट वॉज टोटली वर्थ इट आई वुड से। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि स्किन ब्राइटनिंग पर्पज से मैंने इसको यूज की, बट जो स्किन का जो टेक्स्चर होता है ना ये मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड लगा इसको यूज करने के बाद, एंड ऑब्वियसली इसको मुझे थोड़ा और ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना फाइनल क्लेम दे सकती हूँ, बट एज ऑफ नाउ जितनी टाइम मैंने इसको यूज किया मुझे अच्छी लगी, एंड अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उस पर भी कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं देती है। ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली, इट इज अ हाई एंड प्रोडक्ट, इट इज अ बिट प्राइसी फॉर मी अगेन आई वुड से, बट द रिजल्ट्स आर वेरी 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 गुड कंपेयर्ड टू क्लिनिक मॉइस्चर सर्च, मतलब क्लिनिक से भी मुझे ज्यादा बेटर लगी है। सो यस आई वुड गिव दिस अ थम्स अप। सो द थर्ड एंड माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ दिस ओवरहेड प्रोडक्ट सीरीज इज दिस लेनेज लिप बाम। सो मैंने लेनेज के बारे में बहुत लोगों के मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, लाइक बहुत लोग इसको रिकमेंड करते हैं, एंड मैं इस प्रोडक्ट की टोटली फैन हो चुकी हूँ, लाइक यू गाइज वोंट बिलीव कि मेरे जो लिप्स हैं वो कितने ज्यादा डिहाइड्रेटेड एंड चैपी से रहते थे, एंड मैं कोई सा भी लिप बाम लगा लूँ भले ही कितना कॉस्टली लगा लूँ कभी भी मेरे किसी भी विंटर्स में वो ठीक नहीं रहे, हमेशा क्रैक्ड एंड अजीब से ही रहते थे, एंड आखिर तो ऐसा हो गया था कि मैंने बोरोलिन और वैसलिन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड समटाइम्स आई यूज टू अप्लाई घी एंड ऑल, बट किसी से भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला, बट दिस लिप बाम लिटरली डिड वंडर्स ऑन माई लिप्स, एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने जो इसकी डिब्बी है वो आधी कर दी है, एंड आई थिंक मैंने इसको 500 समथिंग में लिया था, 499 या 500 कुछ में लिया था मैंने इसको नायका से, एंड दिस इज इन द फ्लेवर बेरी, एंड ये लिप्स पे लगाने के बाद भी यू नो बहुत अच्छा सा टेक्सचर देती है, स्टिकी बिल्कुल नहीं होता है, दो इट गिव्स यू सम शाइन बट बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, एंड इनिशियली तो मुझे ऐसा लगा था कि 500 रुपीज मेरे वेस्ट चले गए क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा वो सस्ते वाले लिप बाम्स की तरह लगा था जो 10-20 रुपए के आते हैं, बट इसको रेगुलरली यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कंपेयरिंग दिस लेनेज लिप बम विथ नॉर्मल वाले लिप बम। सो यस डेफिनेटली गाइस गिव दिस लिप बम अ ट्राई, एंड मैं इसको डेफिनेटली 1000 बार बाय करूंगी इसके खत्म होने के बाद, बिकॉज दिस इज सच अ नाइस लिप बम, सच अ नाइस लिप स्लीपिंग मास्क। आप लोग इसको सिंपली यू नो रात में लगा करके सो सकते हैं, एंड मॉर्निंग में उठ के बच्चे प्रोडक्ट को वाइप कर लें तो आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज्यादा पिंक एंड बहुत ज्यादा नेचुरली यू नो विंटर्स में हाइड्रेटेड से लगेंगे। सो यस ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मैक कैफीन नेकेड एंड रॉक कॉफी बॉडी स्क्रब। सो बेसिकली इतनी बड़ी बॉटल मुझे मिली अराउंड 449 रुपीज में, एंड इसके साथ मुझे इस तरीके का एक वुडन स्पून भी मिला, एंड ये भी मैंने मृदुल शर्मा के रिकमेंडेशन के बाद ही परचेज किया, एंड द मेन रीजन वाई आई गॉट दिस स्क्रब इज बिकॉज मेरे जो पैर हैं उसमें बहुत लाइक ऑन माई लेग्स बहुत ज्यादा मुझे इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलर शेविंग एंड ऑल,
all, and that is why I completely stopped shaving my legs. So this coffee scrub helped me a lot to, you know, reduce my ingrown hairs. And nowadays I am epilating my hands and legs. Maine shave karna completely band kar diya. Waxing ke liye I don't have that much time. So I'm not going to give you the demonstration of this product on this video, because this product needs a whole another video. Because ye bahut acha hai, and iska jo use karne ka way hai wo sab main aapko ek bahut achhi tarike se ek naye video mein batana chahti hu. So hum iske jo demo hai usko rakhte hain next video ke liye. But overall agar main aapse baat karu to ye bahut hi acha product hai, and jo iska texture hota hai वो बिल्कुल कॉफी जैसा होता है. मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्क्रब है या एक्चुअल कॉफी है. एंड स्मेल्स लाइक कॉफी सो मच. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक लिटरली बहुत ज्यादा नेचुरल है, एंड आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लाइक ऑन योर लेग्स, आर्म्स, अंडर आर्म्स. आई वुड हाईली 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 रिकमेंड यू गाइज दिस प्रोडक्ट. बिल्कुल इसको एक बार यूज करके आप देखिए ही देखिए. इट लिटरली आपकी स्किन को ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज्यादा स्मूथ बना देगा, एंड जो कि कोई भी नॉर्मल स्क्रब नहीं करने वाला है. सो यस, डेफिनेटली गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई. सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस ओवरहाइप्ड स्किन केयर सीरीज इज दिस मामा अर्थ माइसेलर वाटर. माय सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माय स्किन केयर रेंज. एंड इस प्रोडक्ट को भी मैं आराम से 2 से 3 महीने से यूज कर रही हूँ. एंड ये एक तरीके का माइसेलर वाटर कम फेस वॉश है. सो दिस इज माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ. एंड इससे पहले मैंने मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, बट माइसेलर वाटर बहुत ज्यादा लोगों ने रेकमेंड किया था, तो मैंने सोचा कि आई हैव टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. एंड इसमें रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड भी है, जो कि यू नो आपका मेकअप बहुत आसानी से एंड बहुत जेंटली रिमूव कर देता है. सो अगर आप इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं तो एंड इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है. लाइक इसको आपको इस तरीके से एक बार पंप करना होता है, अपने फेस को वेट करना होता है, अच्छी तरीके से उसके बाद इस तरीके से मसाज करेंगे तो यू नो जो आपका मेकअप है ना वो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर पूरा रिमूव होता है. ट्रस्ट मी, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. एक्सेप्ट योर काजल, इट रिमूव्स एवरीथिंग, लाइक इवन योर आई शैडो, एंड बिल्कुल भी बर्न वर्न भी नहीं होता. तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है. डेफिनेटली मैं इसको फिर से परचेज करने वाली हूँ. दूसरी अच्छी बात यह कि बिल्कुल भी ये प्राइजी नहीं है. आई गॉट दिस जस्ट फॉर ₹400, एंड 400 में इतना अच्छा माइसेलर वाटर इज सच अ ग्रेट डील. एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इसको ट्राई करवाया एंड दे आल्सो लव्ड इट. सो यस, आई वुड डेफिनेटली गिव दिस प्रोडक्ट अ बिग 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 थम्स अप. एंड या आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई मोर ऑफ सम मामा अर्थ प्रोडक्ट्स. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और स्पेसिफिक प्रोडक्ट ट्राई करूं एंड कुछ महीने तक एंड उसके बाद उसका रिव्यू करूं, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइज. सो नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द मेकअप सेक्शन. सो मेकअप में भी मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मंगवाए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटी स्पॉन्ज. सो सबसे पहले मैंने ये ब्यूटी स्पॉन्ज मंगवाया है, विच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड पैक. एंड ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा फेमस है. पैक के ब्यूटी स्पॉन्जेस आर लाइक लिटरली द बेस्ट ब्यूटी स्पॉन्जेस एवर. सो इस तरीके की ये पैकेजिंग में आता है. अभी ये थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज इट इज वेट. मैंने मेकअप किया था तो मैंने इसको गीला किया था, बट ये बहुत 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 ज्यादा सॉफ्ट होता है. एंड अगर आप लोग लोकल मार्केट से कोई भी 20 या 30 रुपए वाला स्पॉन्ज खरीद लें, अगर आप सोचें कि वो स्पॉन्ज आपको सेम फ्लॉलेस फिनिश दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. ट्रस्ट मी, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ 30-50 रुपीज स्पॉन्ज एंड अ 500 रुपीज स्पॉन्ज. 555. बट कुछ लोगों के लिए ये प्राइस ही हो सकता है, बिकॉज अ स्पंज फॉर 550 रुपीज इज अ बिट कॉस्टली फॉर मी एज वेल. बट मैंने सोचा कि मुझे इस स्पॉन्ज को ट्राई करना ही करना है, बिकॉज मेरा जो लास्ट वाला स्पंज था वो खराब हो गया था एंड आई डिड नॉट वॉन्टेड टू यू नो बाय एनी लोकल स्पॉन्ज दिस टाइम. सो इसीलिए मैंने पैक कर लिया एंड आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग इज गाइज. लाइक आई एम लविंग दिस स्पॉन्ज एंड मुझे इसकी फिनिश वगैरह भी बहुत सही लगी. और या आप इस तरीके से इसको गीला करते हैं तो थोड़ा साइज में भी इंक्रीज हो जाता है. अदरवाइज वैसे थोड़ी छोटू साइज में आता है, लाइक जितना इसका सर्कल दिख रहा है ना आपको इस साइज में आता है. इसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मैं इसकी भी जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोना टॉक अबाउट इज दिस मैक स्ट्रोक क्रीम. एक्चुअली आई वुड नॉट से दैट दिस इज ओवर हाइप प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट सालों से चला आ रहा है एंड आई थिंक मैं इसको यूज करने में भी लेट हो गई हूँ. जितने भी मैंने यूट्यूबर्स को देखा वो इसके टेक्स्चर, जो इससे आपको ग्लो मिलता है अंदर से, उन सभी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने बात कर रखी थी. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. एंड जो ये मैक की स्ट्रोक क्रीम है, मैंने इसमें शेड लिया है पिंक लाइट. इसमें शायद 3 से 4 शेड्स और आते हैं, जैसे कि सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, शायद से मुझे नाम याद नहीं है. एंड
ये जो स्ट्रोक क्रीम है ये बहुत ज्यादा प्राइजी है. आई गॉट दिस स्ट्रोक क्रीम फॉर 3200 रुपीज विच इज टू मच फॉर स्ट्रोक क्रीम. एंड ऑब्वियसली इसका जो ड्यूप है वो आपको मिल जाएगा नायका पे, एंड मेबलिन की भी स्ट्रोक क्रीम्स अवेलेबल हैं, बट मैंने वो डेफिनेटली यूज नहीं किए. बट आई वुड से कि अगर आप 3200 रुपीज स्पेंड करते हैं इन अ स्ट्रोक क्रीम, बट इट विल गिव यू दैट यू नो दैट ग्लो. वो बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश देता है जो आई थिंक जो थोड़े सस्ते वाले स्ट्रोक क्रीम से वो नहीं दे पाएगा. एंड ये इतनी बड़ी है कि आपको आराम से यू नो एक साल तक लास्ट कर जाएगी, बिकॉज आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब एक छोटा सा आपको दाने के बराबर इसको लेना होता है, अपने फाउंडेशन में मिक्स करना होता है, आपको स्किन पे अप्लाई कर लेना होता है. एंड अगर आप चाहें तो फाउंडेशन से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो क्रीम के साथ भी इसको मिक्स करके थोड़ा अपने फेस के हाई एंड्स पे लगा लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा सा यू नो ग्लो देती है मुझे. तो मेरा तो इससे एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है. एंड अगर आप लोग इतने बड़े पैकेजिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसकी शायद से छोटी पैकेजिंग भी आती है जो शायद से 1000 या 1100 रुपीज की है, और वो भी बहुत ज्यादा यूजुअली ऑफर्स में चलती है. तो आप लोग वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. वो भी मुझे मतलब डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू यू नो ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट वंस, बिकॉज ये बहुत ही मुझे बढ़िया लगा. हाईलाइटर जो आप पाउडर हाईलाइटर्स होते हैं उनसे भी मुझे बेटर लगा. मतलब फिनिश वगैरह बहुत अच्छी देता है, एंड फेस्टिवल्स वगैरह पे बहुत अच्छा ग्लो देता है. वेडिंग्स वगैरह पे अगर आप यू नो आपकी शादी हो या कुछ भी आपका एक्स वाई जेड रीजन है तो आप लोग इसको जरूर परचेज करिए. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैं सब अपने पर्सनल एंड ऑनेस्ट ओपिनियंस बता रही हूँ. सो आई लिटरली लव्ड दिस स्किन केयर प्रोडक्ट. अभी तक के मेरे चलिए मैं ओवरऑल जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं मेरा सबसे फेवरेट यही है, बिकॉज दिस इज सो गुड. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम मैक एंड दिस इज अ कंसीलर. सो बेसिकली दिस इज अ क्रीम कंसीलर एंड इसमें आई एम इन द शेड NC20. सो मैं फाउंडेशन का शेड भी NC20 था, इसीलिए मैंने जो कंसीलर है उसको भी NC20 में ही परचेज किया. एंड जो ये कंसीलर है ये एक्चुअली इसकी मैं अगर आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊँ तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स में ये फेमस नहीं है, बट दिस कंसीलर इज वेरी फेमस इन बॉलीवुड. लाइक मैंने बहुत सारे बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट को ट्राई करते हुए देखा है ये. एंड द रीजन वाई दे लाइक दिस प्रोडक्ट इज बिकॉज इसका जो क्रीमी टेक्स्चर होता है, मतलब जो अनलाइक अदर कंसीलर्स जो कि मतलब स्टिक में आते हैं, यूजुअली वैंड्स में आते हैं, आपके बहुत ज्यादा आई के अंडर में क्रीज वगैरह बना देते हैं. सो इसीलिए मुझे इस प्रोडक्ट को ट्राई करना था क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है एंड आपके यू नो हाथ में कंट्रोल रहता है कि आपको उसको कितना अप्लाई करना है अपनी आंखों के नीचे और कितना नहीं. एंड नेक्स्ट इट गिव्स यू अ ग्रेट कवरेज. लाइक एक छोटे से डॉट में ही आपका पूरा अंडर आई का यू नो डार्क सर्कल्स जो है वो रिमूव कर देता है. सो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई गॉट दिस फॉर 2800 रुपीज और समथिंग. हाँ आई थिंक सो. सो 2800 रुपीज के हिसाब से इट इज प्राइजी, बट मैक के प्रोडक्ट्स थोड़े से प्राइजी ही रहते हैं. लाइक मैक का फाउंडेशन भी इतना ही कुछ का आता है एंड प्लस दे लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई नो कि ये कंसीलर मुझे आराम से 1-1.5 साल तो चलने ही वाला है, कहीं भी नहीं जा रहा अंटिल इट एक्सपायर्स. सो या दैट इज वाई एंड 2800 फॉर 1-2 years इज नॉट एट ऑल अ बैड डील फॉर मी. सो यस आई विल अगेन हाईली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट. मैक के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी यू नो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब मुझे तो मैक के प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. सो या सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना टॉक अबाउट इज ऑल्सो फ्रॉम मैक. सो दिस इज मैक यू नो फिक्सर, मेकअप फिक्सर. एंड इसमें मैंने ये छोटू सी जो बॉटल है ये ली है. एक्चुअली मैंने ये परचेज नहीं की थी, बट मुझे ये जो दोनों चीज मैंने ली थी इसके साथ मुझे ये स्प्रे फ्री आया. एंड ऑब्वियसली मुझे ये स्प्रे ट्राई भी करना था, बट मैंने सोचा कि अब आ ही रहा है फ्री तो आई ट्राई दिस छोटू वाली बॉटल है, उसके बाद अगर मुझे वर्दी लगता है तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आई थिंक प्राइजी. ये कुछ 1100-1200 की छोटू बॉटल आती है, बट ट्रस्ट मी मैं बोलूंगी आपको कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेकअप फिक्सर्स आई हैव एवर यूज. इसके पहले मैंने स्मैश बॉक्स का मेकअप फिक्सर भी यूज करके रखा. स्मैश बॉक्स का भी मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मुझे मैक का मेकअप फिक्सर अच्छा लगा है. मतलब लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल लाइक दिस मेकअप फिक्सर अलॉट. लाइक आप हर दूसरे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे तो वो लोग यही यूज करते हैं पूरा मेकअप फिनिश होने के बाद, बिकॉज इट लिटरली गिव्स यू दैट फिनिश ऑन योर फेस. एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा. तो मेरे हिसाब से तो मैक के जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इट वॉज दे आर अ ह्यूज 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 थम्स अप फ्रॉम माई साइड.
So the next makeup product which I'm going to talk about today is this Benefit ka lip and cheek tint. So आप सभी को इसके बारे में मालूम ही होगा, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है एंड बहुत ही ज्यादा यू नो पॉपुलर है. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी अपने फेस पर लगाया भी है. एंड आई गॉट दिस चीक टिंट फॉर 1100 समथिंग रुपीज. एंड अगर आप इसको ओपन करें तो इस तरीके की ये बॉटल है, बहुत ज्यादा छोटू है एंड फॉर 1100 इट इज वेरी स्मॉल. बट द फिनिश ऑफ दिस टिंट इज वेरी गुड ऑन योर फेस, लाइक बहुत अच्छा सा यू नो फ्लशी सा इफेक्ट आता है आपके गालों पे, मतलब जो कि आपको नॉर्मल पाउडर ब्लशेस से नहीं मिल सकता. आई विल अग्री ऑन दैट. अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपका इसके बगैर काम नहीं होने वाला है. इसके अलावा भी आप सेम टाइप का फॉर्मूला अपनी क्रीम पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ भी ला सकते हैं. अगर आपके पास कोई क्रीमिश पिंकिश लिपस्टिक है तो सेम इफेक्ट आप उसके साथ भी ला सकते हैं. तो व्हाई टू वेस्ट 1100 रुपीज फॉर ऑन अ टेंट लाइक दिस. सो इफ यू कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोडक्ट खराब है, बट 1100 के हिसाब से मुझे थोड़ा सा प्राइस ही तो लगता है. एंड ऑब्वियसली दिस डज नॉट वर्क गुड ऑन माय लिप्स, लाइक मुझे लिप्स पे बहुत गंदा वाला इफेक्ट देता है. अगर मैं इसको लगा लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि पान खाने के बाद वाले जो लिप्स हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल सेम इफेक्ट देता है. सो फॉर माय लिप्स इट इज यूजलेस, बट गालों पे थोड़ा सा फ्लशी सा इफेक्ट देने के लिए दिस इज गुड. सो या यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट इफ यू कैन. सो आई डोंट नो, इट्स अ गुड प्रोडक्ट बट आई एम सो कंफ्यूज्ड. सो या लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट. So the last product of today's video is this Huda Beauty ki ड्रीम मैट लिपस्टिक. तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ट्राई करने की, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा प्राइजी होते हैं एंड दे आर ऑब्वियसली हाई एंड ब्रांड. सो बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद मैंने हुडा ब्यूटी की ड्रीम मैट लिपस्टिक मंगाई एंड आई गॉट दिस इन अ शेड आई थिंक शियो. सो दिस इज इन द शेड शियो. एंड सबसे अच्छी बात यह कि आई गॉट दिस लिपस्टिक इन 50% डिस्काउंट. तो मुझे ये 1800 की लिपस्टिक 900 में मिली, विच इज प्रिटी ग्रेट डील. एंड अगर आप देख सकते हैं मैंने लिप्स पे इसी को लगा रखा है. सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ गाइस कि आई हैव नेवर ever used any lipstick like this in my entire life, trust me. मतलब अब मैंने इतना कह दिया, आप इसी से समझ जाइए कि this lipstick is so good and ये आपके जो lips होते हैं ना उस पर यू नो मक्खन की तरह बिल्कुल लगती है. Like this lipstick is so soft and smooth matte lipstick. Like अगर आप usually Maybelline की matte lipsticks try करेंगे तो वो थोड़े time के बाद तो crack हो जाती है, आपके lips बहुत ज्यादा dry लगने लगते हैं. But इस lipstick के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. Like there is a reason why this is for 1800 रुपीज एंड इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. प्लस दिस इज वेरी बिग, तो ये आपको आराम से काफी टाइम तक चल जाएगी. अगर आप इसको रेगुलरली यूज ना करें तो आपको आराम से ओकेजनली भी आपको आई थिंक इट लास्ट अराउंड 8 to 9 months फॉर यू. एंड मैंने इसको अपनी फ्रेंड की वेडिंग में भी वेयर किया था. ट्रस्ट मी, मैंने खाना खाया, पानी पिया, बहुत सारी चीजें की, बट उसके बाद भी मेरे लिप से निकली नहीं है. लाइक इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑब्वियसली इट्स ट्रांसफरेबल, ये थोड़ी सी ट्रांसफर होती है बट ये आपकी लिप्स पे लास्ट करती है. सो आप लोग बिल्कुल अगर चाहें तो इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मैं इसको परचेज नहीं करने वाली थी. लाइक मैंने दो इंडिविजुअल Maybelline की लिपस्टिक्स अपने कार्ट में ऐड करी एंड देन सडनली मुझे ये लिपस्टिक दिखी, तो मैंने सोचा कि 2-400 की लिपस्टिक लेने से अच्छा है कि मैं Huda Beauty की 900 की लिपस्टिक एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ. एंड थैंक गॉड आई ट्राइड दिस लिपस्टिक, इट इज सच अ ग्रेट शेड, इट इज सच अ ग्रेट फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सो गुड. एंड अगर आपके ड्राई लिप्स हैं मेरी तरह तो आपके लिप्स पे ये फिर और ज्यादा अच्छी लगेगी, बिकॉज बाकी की जो मैट लिपस्टिक है वो तो ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड या इट्स अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम माय साइड. सो डू ट्राई दिस लिपस्टिक आउट एंड डेफिनेटली मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा अगर आपने जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए उसमें से कोई सा भी यूज किया है या फिर आपको कोई सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है या कुछ भी. अगर आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में. एंड मैं सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो अगर आप चाहें तो आप लोग डायरेक्टली लिंक क्लिक करके भी जाके देख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली अब मैं आपसे बोलूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. गिव दिस वीडियो थम्स अप अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. एंड आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.